नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वच्छ इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। नगर निगम महिला इंटर कॉलेज एवं रोटरी क्लब कानपुर मेट्रो के संयुक्त तत्वावधान में विद्यालय परिसर में बेटी शिक्षित माता बंधित की तर्ज पर आगामी मातृ दिवस के उपलक्ष में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। बता दें, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हुए तथा समाज में पुरुषों के सामान्य ही उनके महत्व एवं नारी सशक्तिकरण के बारे में अवगत कराते हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके जन्म से ही आरंभ होने वाले उसकी जननी के किरदार के बारे में उसे अवगत कराना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ रोटेरियन स्वतंत्र प्रकाश चतुर्वेदी द्वारा बालिकाओं को उनके साथ पधारी अभिभावक के रूप में उनकी माताओं के महत्व के बारे में तथा एक बालिका के जीवन में उसको मानसिक रूप से सशक्त बनाने में उसकी माँ द्वारा निभाए जाने वाले किरदार का उद्देश्य दिखाकर किया गया। वहीं रोटेरियन डीएन रायजादे द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटी को एक शक्ति के रूप में संबोधित करते हुए समस्त बालिकाओं से उनकी पहली शिक्षक अर्थात उनकी माता का सम्मान करने के लिए आग्रह किया गया। वहीं विद्यालय की प्राचार्य कुमारी प्रीति तिवारी द्वारा छात्रों को नारी सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं द्वारा उच्च स्थान ग्रहण करने में शिक्षा का महत्व तथा इस क्रम में भागीदारी निभाने वाली उनकी माता के योगदान के बारे में अवगत कराया गया। वहीं इस बीच कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्राचार्य कुमारी प्रीति तिवारी एवं विद्यालय के समस्त शिक्षकगण द्वारा आयोजित जन जागरूकता हेतु मतदाता हस्ताक्षर अभियान 2024 रहा, जिसके अंतर्गत विद्यालय के समस्त कर्मचारीगण शिक्षकगण के साथ साथ बच्चों एवं उनके अभिभावकों को हस्ताक्षर कर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान हेतु शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन अजय गुप्ता द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में छात्राओं एवं उनकी माताओं को किट वितरण के साथ साथ जलपान उपलब्ध भी कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्राचार्य प्रीति तिवारी, रोटेरियन अविनाश चतुर्वेदी, रजत खरे के साथ साथ विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, छात्रगण, उनके अभिभावक तथा समस्त रोटेरियन उपस्थित रहे।